गाइज वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम और आज हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थ्री ए दैट इज़ डिमांड एनालिसिस तो आज हम पढ़ने वाले अबाउट डिमांड डिमांड क्या होता है ओके okay. तो देखते हैं इंट्रोडक्शन यू हैव ऑलरेडी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन प्रीवियस चैप्टर्स ओके तो यूटिलिटी के बारे में हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि यूटिलिटी क्या होती है यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड ओके तो डिमांड किसपे बेस्ड है यूटिलिटी पे ओके okay. यूटिलिटी में जनरेट डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी ओके अभी यूटिलिटी क्या होता है जनरली यूटिलिटी इज डिज़ायर अगर हम लोग को कुछ चाहिए तो या फिर नीड हमें उसकी ज़रूरत है तो फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी ओके सो दैट इज़ यूटिलिटी ओके तो अगर आपके पास यूटिलिटी है तभी डिमांड होगा अगर आपको उसकी ज़रूरत है अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप डिमांड करोगे बट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बट अगर आपके पास यूटिलिटी ही नहीं है तो आप डिमांड क्यों करोगे ओके दिस चैप्टर इज एन एफॉर्ड टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ओके तो इस चैप्टर में हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं ओके वी आर गोइंग टू एनालाइज डिमांड डिमांड क्या होता है एंड एवरी थिंग वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर्स बिहेवियर तो डिमांड क्या होता है डिमांड हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर से ओके okay, कंज्यूमर का बिहेवियर देख के हमें पता चलता है अबाउट डिमांड डिमांड का क्या पैटर्न है ओके डिमांड दट इज डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर ओके okay, अगर हम लोग जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो डिमांड क्या होता है डिमांड इज डिज़ायर ओके जो हम लोग को चाहिए होता है दैट इज डिमांड डिज़ायर मीन्स एन ऑर्क टू हैव समथिंग अब डिमांड डिजायर है डिज़ायर क्या है डिज़ायर इज समथिंग विच इज़ ऑर्क टू हैव मतलब हम लोग हम लोग बोलते हैं ना मुझे ये चाहिए मुझे अच्छा लगा मुझे ये मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए दैट इज़ डिज़ायर इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड अबिलिटी टू पे ओके तो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है डिज़ायर अगर हमें वो चीज़ चाहिए विच इज़ बैक्ड बाय मतलब उसके साथ विलिंगनेस ओके okay? मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए वो चीज़ लेने की एंड अबिलिटी टू पे हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हम लोग उसको पे कर सकें फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज़ the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power then it will be simply a desire not a demand. मतलब अगर एक व्यक्ति है जिसको टेलीविज़न लेना है ओके okay उस मतलब matlab डिज़ायर है कि उसको वो wo tv लेना है but उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस चीज़ को खरीद सके उसका उसके पास डिज़ायर है विलिंग है मन तो है उसका लेने का उसको चाहिए भी बट उसके पास पैसा ही नहीं है परचेस करने का तो उसको डिजायर ही बोलेंगे डिमांड नहीं थर्स डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर ओके डिमांड मतलब क्या इफेक्टिव डिज़ायर ओके अपग्रेडेड लेवल ऑफ़ डिज़ायर मतलब सिर्फ डिज़ायर नहीं इफेक्टिव डिज़ायर कि उस डिज़ायर के लिए आप परचेस करने के लिए भी तैयार हो और आपकी इच्छा भी है कि आप उसको ले लो ऑल डिज़ायर आर नॉट डिमांड ओके मतलब जो भी आप डिज़ायर करते हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो डिमांड नहीं हो सकता ओके बट जो भी आप डिमांड करोगे वो डिज़ायर हो सकते क्योंकि आप डिमांड कब करोगे जब आपका डिज़ायर है आपके पास उतना पैसा है आप पैसा देने के लिए रेडी भी हो तभी आप डिमांड करोगे तो डिमांड में बाय डिफॉल्ट डिज़ायर आ जाता है ओके व्हाट इज़ डिमांड इन सिंपल एंड शॉर्ट डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू बाई ओके दिस इज़ द इक्वेशन और यू कैन से काइंड ऑफ फॉर्म्यूला कि जब आपको डिमांड के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन वन मार्क टू मार्क आपको ये लिखना है ओके दैट विल गिव यू प्लस पॉइंट्स ओके तो डिमांड क्या है डिमांड इज डिज़ायर ओके आपकी इच्छा है लेने की विलिंगनेस टू परचेज आप उतना पैसा दोगे आप परचेस करोगे उतना एंड अबिलिटी टू पे ओके आपके पास उतना पैसा है कि आप दे सको ओके, सो दैट इज़ डिमांड अगर आपको इन वर्ड्स लिखना है यही फॉर्मूला टाइप थिंग को तो आप कैसे लिखोगे डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे ओके मतलब डिमांड एक ऐसी चीज़ है जो डिज़ायर है ओके okay? उसके साथ साथ हम हमारे पास विलिंगनेस है इच्छा है एंड एबिलिटी है कि हम उसको पे कर सकें ओके नाउ डेफिनेशन ऑफ डिमांड वॉट इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड बाय बेमिन द डिमांड फॉर एनी थिंग एट गिवन प्राइज इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइज मतलब डिमांड क्या है कि किसी भी चीज़ का प्राइस के उसका जो अमाउंट दिया है वो पर यूनिट मतलब एक चीज को वो बाय सक, बाय कर सके जो भी प्राइस दिया है उसके हिसाब से ज फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ डिमांड क्योंकि डिमांड के फीचर्स दिए हैं फर्स्ट इज डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ओके मतलब डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा है चैप्टर नंबर टूट यूटिलिटी में भी कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट जो टाइम एंड प्लेस के साथ रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो यूटिलिटी भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है एज वेल एज डिमांड भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्यों क्योंकि क्यों, डिमांड भी टाइम और प्लेस से रिलेट uh, करता है ओके okay? उस पर डिपेंडेंट होता है वो चेंज हो जाता है तो डिमांड भी चेंज हो जाती है ओके एज सेम एज यूटिलिटी नेक्स्ट इज डिमांड इज एसेंशियल एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस ओके मतलब डिमांड हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ टाइम एंड प्लेस टाइम और प्लेस के साथ हम उसे कंपेयर कर सकते एक्सप्रेसिंग दैट वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन टाइम एज वेल एज प्लेस नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल ओके डिमांड शेड्यूल मतलब नथिंग बट इट इज लाइक अ डायग्राम जो हम लोग टेबल फॉर्मेट में बनाते हैं ना दैट इज डिमांड शेड्यूल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी ठीक डिमांड शेड्यूल क्या होता है एक टेबल फॉर्मेट में होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड कि जो भी कमोडिटी का प्राइस है और जो भी क्वांटिटी हम लोग ने उस प्राइस पे डिमांड की है कि ऑफ दैट कमोडिटी वो हम उस टेबल में शो करते हैं उस टेबल में दिखाते हैं डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल तो डिमांड शेड्यूल के ये दो टाइप है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल सो द टू टाइप्स ऑफ डिमांड आर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड तो एक्चुअली इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग सिर्फ एक ही पर्सन सिंगल पर्सन के डिमांड को एनालाइज़ करते हैं ओके okay? उसकी डिमांड को देखते हैं एज मार्केट डिमांड में हम लोग क्या करते हैं ऑल द इंडिविजुअल टोटल इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल है सबका डिमांड हम लोग कंसिडर करते हैं ठीक है सो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड ये दो डिमांड के टाइप्स होते हैं ओके तो ये दोनों भी हम लोग देखेंगे दोनों का भी डिमांड शेड्यूल और कर्व देखेंगे तो पहले देखते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होते हैं इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मतलब एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन अगर डिमांड करता है अ कंज्यूमर जो भी प्राइस दिया है उसके हिसाब से इन दैट पर्टिकुलर टाइम तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ अ ट्राइबली रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ़ कमोडिटी दैट अ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू बाय एट प्राइजेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या करता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमें टेबल फॉर्मेट में दिखाता है कि कितनी सारी क्वांटिटीज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन अ सिंगल पर्सन कौन से प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी है ओके okay. तो हम लोग टेबल में देखते हैं कैसे है दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया है ये मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिया है तो आपको अच्छे से पता चलेगा ना देखो यहाँ पे दिया है प्राइज ऑफ कमोडिटी एक्स एंड रुपीज़ ठीक है तो रुपीज़ में इसका प्राइस दिया है एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ़ द कमोडिटी एक्स एंड के जीज़ तो यहाँ पे क्वान्टिटी डिमांडेड इन के जीज़ दिया है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर है अकेला कस्टमर है कंज्यूमर है तो वो क्या करेगा अगर कमोडिटी की प्राइस दस रुपया है तो वो कितना खरीदेगा एक ठीक है जब भी उसका प्राइस दस से आठ हो जाएगा तो कितना खरीदेगा दो जब आठ से छः हो जाएगा तो कितना खरीदेगा तीन 6 से चार हो जाएगा तो चार खरीदेगा और चार से दो हो जाएगा तो कितना खरीदेगा पाँच मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है ओके समझा अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है ओके तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अभी ईजी एग्जाम्पल में बताओ तो अगर आपकी मम्मी वगैरह जो मार्केट सब्जी लेने जाती है अगर जितना प्राइस कम होगा उतनी ज़्यादा सब्जी लाती है ओके अगर मम्मी टोमेटो लानेंगी ओके टमाटर लानेंगे मम्मी मार्केट में मम्मी को पता चला कि फोर्टी रुपी चालीस रुपया किलो है टमाटो ओके तो मम्मी कितना लेगी नॉर्मली आधा किलो बीस रुपये का आधा किलो लेके आ जाएगी हाँ जितना आपको लगता है पर अगर कोई तो आया मतलब टमाटर वाला सब्ज़ी वाला और वो बोल रहा है बीस रुपया किलो ट्वेंटी रुपीस के जी में आपको दे रहा है ओके तो आपकी मम्मी भागे भागे जाएगी और कितना एक किलो दो किलो लेके आएगी क्यों तो क्यों प्राइस कम है तो जब भी प्राइस कम होता है हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं कंज्यूमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि जितना कम प्राइस उतना ज़्यादा वो डिमांड करेंगे ओके okay? सो so, समझा अभी कि हम लोग इसको कंज्यूमर बिहेवियर क्यों बोलते हैं क्योंकि डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कंज्यूमर क्या सोचता है उसके हिसाब से वो डिमांड करता है ओके सो दैट इज़ डिमांड एनालिसिस या फिर कंज्यूमर बिहेवियर ओके तो समझा बाय दिस एग्जाम्पल टेबल थ्री पॉइंट वन शोज ये जो थ्री पॉइंट वन का टेबल है वो हमें क्या दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वराइस प्राइस के एक अकेले कंज्यूमर ने कितनी कमोडिटीज खरीदी कौन से प्राइस पे ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस मतलब जब भी प्राइस ज़्यादा है कम खरीदा है जब प्राइस कम है तब ज़्यादा खरीदा है ओके ये हम लोग को स्टेबल से पता चलता है इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ये हमें क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है उल्टा रिलेशनशिप है नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व ओके इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ओके तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओके मतलब जिसमें ग्राफ दिखाया जाता है ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ओके जो डिमांड शेड्यूल होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल उसका ही एक ग्राफिकल फॉर्म होता है ओके okay, जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिखाते हैं ओके okay? तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि दो एक्सेस है वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस तो वाई एक्सेस पे हम लोग को क्या दिखाया है प्राइस इन रुपीस ओके okay? जो भी डिमांड शेड्यूल में होता है ओके वही हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं ओके okay? यहाँ पे जो हमें दिया है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ये जो है वो कहाँ पे दिया है वाई एक्सेस पे और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इन के ओके okay, वो हम लोग को एक्स एक्सेस पे दिया है देन यहाँ पे क्या दिया है जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव ओके वो यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया है और जो भी प्राइस है टू फोर सिक्स एट टेन वो वाई एक्सेस पे है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ने एक ग्राफ ड्रा किया है ओके okay, जहाँ पे हम लोग को क्या मिला है डी डी कफ एंड वो डी डी कफ क्या है डिमांड कर्व ओके तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ओके नाउ इन फिगर थ्री पॉइंट वन थ्री में हम लोग ने क्या देखा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी एक्स तो एक्स एक्सिस ने हम लोग में दिखाया है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटीज इन के जी दिया है तो जितना भी एक इंडिविजुअल ने एक सिंगल पर्सन ने जितना भी क्वांटिटी डिमांड किया है वो हम लोग को पे दिया है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द प्राइज ऑफ अ कमोडिटी ओके और जो स्टैंडिंग लाइन है मतलब आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते प्राइज एंड रुपीज तो वो क्या दिया है अगर इंडिविजुअल आदमी कुछ खरीदता है तो वो कौन सी कौन सी प्राइस पे कितना खरीदता है ओके okay? वो हम लोग को इसमें दिखा है तो लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या दिया है प्राइज एंड रुपीज द डिमांड कफ डी डी स्लोप डाउन वर्ड्स फ्राम लेफ्ट टू राइट तो जो ये डिमांड कव है डी डी वाला वहां पे एक एरो दिया है जो डाउनवर्ड्स दिखाता है डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या इसे हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो डी डी कव है वो कौन सा कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ओके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके लेफ्ट से राइट right जा रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड तो ये हमें क्या बताता है कि प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है ओके इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वानिटी डिमांडेड नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड ऑफ फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो मार्केट डिमांड क्या है टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मतलब जितने भी लोग हैं उन लोग की टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी उस वस्तु के लिए जो भी डिमांड है सब लोग की ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस जो भी प्राइस दी है उस पर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ओके उस पर्टिकुलर टाइम में ओके okay, उस पर्टिकुलर प्राइस पे कैसी डिमांड है कि सब लोग की देट इज़ मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबिलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर टू बाई एट वराइज प्राइजेज ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में हमें दिया जाता है कि कितनी क्वांटिटीज ओके जो भी कंज्यूमर्स है वो कैसे बाय करेंगे ओके एट डिफरेंट प्राइस ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इट इज ऑप्टेंड बाई हॉरिजोंटल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट वराइस प्राइस तो ये हमें क्या देता है हॉरिजोंटल समेन मतलब सब जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उन लोग का जो हम लोग को डिमांड पैटर्न दिया उसका सम करके एडिशनल करके टोटल करके दैट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट वराइज प्राइस अलग अलग प्राइस पे कैसी डिमांड है इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड तो ये हमें क्या बताता है कि प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांड में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप क्योंकि कौन सा कैसा रिलेशनशिप है इनवर्स ओके okay? क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तब डिमांड कम होता है और जब प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ता है ओके okay, सो so, वो हमें क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिवर्स रिलेशनशिप है अभी मार्केट डिमांड शेड्यूल ओके तो ये टेक्स्ट बुक में से है टेबल थ्री पॉइंट टू तो यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीस मतलब जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस दी है रुपीस में तो इट इज़ टेन रुपीज़ एट रुपीज सिक्स रुपीज़ फोर रुपीज एंड फाइव रुपीज ओके नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजेस तो जो एक्स कमोडिटी है उसकी डिमांड कैसे है अभी कंज्यू तीन कंज्यूमर दिए कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर सी ठीक तो कंज्यूमर ए बी और सी तीनों का जो बाइंग करने का पैटर्न है वो अलग अलग है जैसे दस रुपये में कंज्यूमर ए पाँच बाय कर रहा है कंज्यूमर बी दस रुपये में दस बाय कर रहा है ठीक क्वान्टिटी और कंज्यूमर सी दस रुपये में पंद्रह बाय कर रहा है ठीक okay, तो इन तीनों का मिला के दैट इज़ हॉरिजोंटल समेशन फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन कितना होता है थर्टी तो मार्केट डिमांड के कॉलम में लास्ट वाले कॉलम में क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो उसमें थर्टी आया है ओके तो वैसे ही एट रुपीज़ एट एट रुपीज़ सिक्स एट रुपीज़ फोर एट रुपीज़ टू ए बी और सी ने कैसे कैसे बाय किया है कौन सी कितनी क्वान्टिटीज बाय की है वो हमें यहाँ पे लास्ट uh, कॉलम में मार्केट डिमांड में टोटल करके दी है ओके सो दैट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबल थ्री पॉइंट टू शोज डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ कमोडिटी एक्सपर्चेज बाई डिफरेंट कंज्यूमर ए बी सी एट वाइस प्राइस ओके तो ये टेबल जो थ्री पॉइंट टू टेबल है ये हमें क्या बताता है कि ए बी और सी ने अलग अलग प्राइस पर कितने क्वांटिटीज बाय की है ओके इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस के मतलब क्या हम लोग ने ये देखा कि लोगों ने कम खरीदा है जब प्राइस ज़्यादा है ओके okay, और ज़्यादा खरीदा है जब प्राइस कम है थर्स देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी डिमांड तो प्राइज और क्वान्टिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप मार्केट डिमांड कब ओके okay, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल से हम लोग क्या बनाते हैं मार्केट डिमांड कव ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कव इज अ हॉरिजोंटल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कव ओके तो मार्केट डिमांड कव क्या होता है हॉरिजोंटल समेशन मतलब टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कव ओके इंडिविजुअल डिमांड्स को हम लोग टोटल करके क्या बनाते हैं मार्केट डिमांड इट इज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड शेड्यूल तो मार्केट डिमांड कव किस पे बेस्ड होता है किस पे बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल ओके तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिमांड का कैसे होता है वैसे ही मार्केट डिमांड का होता है वाई एक्सेस पे, पे हम लोग ने लिया है प्राइस इन रुपीज़ और जो नीचे एक्स एक्सेस है वहाँ पर हम लोग ने लिया है क्वान्टिटी डिमांडेड इन के जीज ओके okay? तो आप देख सकते हो दस रुपये में कितना बाय किया था ट्वेंटी फाइव ओके नो दस रुपये में कितना बाय किया था थर्टी ओके okay, तो दस रुपये में थर्टी बाय किया था एट रुपीज़ में फोर्टी फाइव बाय किया था तो वैसे हम लोग ने वो टेब ग्राफ में दिखाया है ओके okay, तो ये भी हम लोग को क्या दिखाता है कि हम लोग को क्या मिला है डी डी कफ और ये डीडी कफ कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट okay, और डी डी क्या है मार्केट डिमांड कफ इन फिगर थ्री पॉइंट थ्री मतलब ये जो फिगर दिया है उसमें एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी तो जो लेफ्ट साइड में है स्टैंडिंग लाइन वाई एक्सेस उस पर हम लोग को क्या दिया है प्राइज इन रुपीज और जो नीचे हॉरिजोंटल uh, लाइन है वो है एक्स एक्सेस वहाँ पे हम लोग को क्या दिया है क्वान्टिटी डिमांडेड इन रुपीज द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ डी डी स्लोब डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड मार्केट डिमांड ओके okay, तो ये जो डी डी कव है वो क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि आपने पे एरो दिया है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और वो हमें क्या दिखाता है कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ओके प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप क्योंकि वो उल्टा जाता है ओके okay, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है ओके सो देर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप So, thank you guys for watching this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Meet you in the next video. Bye.